नमस्कार, वेलकम टू संजीव कपूर किचन। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी फेवरेट रेसिपीज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आजकल, और इसमें शुरुआत करते हैं एक सूप से। बहुत ही बढ़िया सूप है। खैर, पहली बार जब मैंने ये सूप बनाया और सर्व किया घर में, तो लोगों ने कहा कि खाने से पहले कॉफ़ी क्यों सर्व करें, क्योंकि जो सूप है वो दिखने में ऐसा ही लगता है। एक्चुअली ये सूप से ज़्यादा कैपेचिनो लगती है। अब कैपेचिनो जो है बनाएंगे हम मशरूम से, और इसीलिए मेरी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि मशरूम का सूप, उसका स्वाद, और उसके साथ साथ ये जो सूप है उसमें थोड़ा सा मक्खन, और वाह, सिजनिंग स्वाद। और उसके साथ साथ इसमें ये प्याज, और उसके साथ साथ थोड़ा लहसुन भी। तो प्याज और लहसुन, ये इसे हल्का सा पका लेना है, और फिर इसके अंदर हम डालते हैं मशरूम, स्लाइस किया हुआ फ्रेश बटन मशरूम, उसे स्लाइस करके इसके अंदर डालना है। मशरूम के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें चाहिए तो थोड़ा सा नमक अभी डाल सकते हैं। ये लीजिए, नमक इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पेपर भी, चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें बेली, तेज पत्ता, ये इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसमें मशरूम सूप तो बना सकते हैं, थोड़े से आमंड भी डाले जा सकते हैं। अच्छा, मशरूम सूप जो है वो तो बढ़िया बन ही सकता है, चाहे तो थोड़े बादाम भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मशरूम कैपेचिनो कैसे बनेगा वो आपको पता चलेगा। दूध डालेंगे इसके अंदर, लेकिन अभी नहीं, अभी तो डाल रहे हैं वेजिटेबल स्टॉक। ये लीजिए, ये डाल दिया वेजिटेबल स्टॉक, और इसे कुछ देर तक पकने देते हैं। ये लीजिए, कुछ देर पकने के बाद इसे हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है, और उसके बाद इसमें से निकाल दें ये तेज पत्ता, और इसे हमने पीसना है। तो ये ब्लेंड कर लेते हैं हम, ये थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर इसे ब्लेंड करें आप। मशरूम जो है ये मशरूम ये ब्लेंड कर लेते हैं। इसे हमने पीस लिया, और अब ये ले लेते हैं, और इसे इसके अंदर वापस ये देखिए, मशरूम का सूप एकदम स्मूथ हो चुका है। बेली भी इसमें से हमने निकाल दी थी, और अब इसका जो स्वाद है वो कैसा है, नमक वगैरह सब बराबर है या नहीं, वो चेक कर लें। और उसके बाद इसमें ये नमक, इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब क्या करना है, अब एक काम करना है, हमें इसमें डालनी है थोड़ी क्रीम। ये क्रीम इसके अंदर, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये जो मशरूम सूप है ये तो तैयार हो गया है, इसको ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पियेंगे। इसको बनाएंगे कैपेचिनो, मशरूम कैपेचिनो। उसके लिए दूध चाहिए, और दूध, ये जो दूध है, दूध में थोड़ी झाग बनानी है हमें, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, इसे मिक्स कर लेता हूँ। ये जो दूध है, ठंडा दूध है मेरे पास, और इसे ये जो है इसमें झाग। अच्छा, अब करना क्या है, ये जो सूप है इसे सर्व करने के लिए, ये सूप गरम, बड़ा मग लें, और ये जो सूप है ये इसमें डालें। ये देखिए, ये इसके अंदर गर्मा गर्म सूप। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे झाग, ये देखिए, और ये जो झाग है
ये इसके ऊपर, झाग को ऊपर से लेकर, अब ये जो है ये नहीं दिख रहा कि ये सूप है या क्या है, पता नहीं चलता है, और यही खासियत है। लेकिन इसको सर्व करने से पहले थोड़ा सा जैसे कॉफी में डालते हैं उसी तरह से इसके ऊपर डालें सिनेमन पाउडर, दालचीनी पिसी हुई। मशरूम कैपेचिनो बनाने के लिए आपको चाहिए 15 बड़े बटन मशरूम्स लंबाई में कटे हुए, एक बड़ा चम्मच मक्खन, एक प्याज कटा हुआ, 4 से 6 कटी हुई लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, 2 कप वेजिटेबल स्टॉक, 1 तेजपत्ता, 3/4 कप क्रीम, 2 कप ठंडा दूध और 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर। मशरूम कैपेचिनो बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में मक्खन गरम करें, इसमें प्याज और लहसुन की कलियां 2 से 3 मिनट तक भून लें, फिर इसमें मशरूम डालें, अब इसमें नमक और सफेद मिर्च पाउडर डालकर मिला लें, अब इसमें 1 कप वेजिटेबल स्टॉक और तेज पत्ता डालकर मिलाएं और इसे 5 मिनट तक पकने दें, पके हुए मशरूम में 1 कप वेजिटेबल स्टॉक डालकर मिलाएं, अब इसकी प्यूरी बना लें और इसमें उबाल आने तक पकाएं, फिर क्रीम मिलाएं, अब ये गर्मा गर्म सूप एक कप में निकाल लें, एक तरफ ठंडा दूध और बर्फ के टुकड़े मिक्सी में चलाएं और खूब झाग बना लें, अब इस झाग को करछी से गर्म सूप पर रखें, कैपेचिनो सा दिखेगा ये, अब इस पर दालचीनी का पाउडर छिड़के और गर्मा गर्म सर्व करें।